एमईजीपी लोन योजना क्या है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम व्यापार में कैसे मदद करता है, पीएमईजीपी लोन स्कीम की पूरी जानकारी एक वीडियो में, व्यापारी अपने व्यापार के लिए ले सकते हैं लोन। भारत में सबसे अधिक आबादी युवाओं की है और इन युवाओं में पढ़े लिखे युवकों की संख्या भी अधिक है। इसमें कुशल और अर्ध कुशल और अकुशल युवाओं की संख्या भी देश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से कई गुना अधिक है। सरकारों ने भी समय समय पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में गंभीरता से विचार किया और उसके निराकरण करने की कोशिश भी की है। सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने की जगह स्वरोजगार को बढ़ावा देने का निश्चय किया और इसके लिए कई लाभकारी योजनाएं भी चलाई हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी पीएमईजीपी भी शामिल है, जो नए उद्यमियों को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए मददगार साबित हो रही है। पीएमईजीपी योजना में मिलता है 10 से 25 लाख तक का ऋण। केंद्र सरकार ने हुनरमंद युवाओं को स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए पीएमईजीपी योजना की शुरुआत की है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों जगह के युवा ले सकते हैं। लोन की राशि पर मिलती है सब्सिडी। पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत इच्छुक युवा अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पीएमईजीपी लोन स्कीम 2021 के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना की खास बात यह है कि आपके द्वारा ली गई लोन की राशि पर आरक्षण के आधार पर सब्सिडी भी दी जाती है। पीएमईजीपी लोन स्कीम का लक्ष्य। पीएमईजीपी लोन स्कीम का लक्ष्य देश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। देश में बेरोजगारी समाप्त होगी और दूसरा, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना से शहर और गांव के हुनरमंद युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। इसके लिए युवाओं को इस योजना के बारे में जाँच पड़ताल करके उससे लाभ लेना होगा। किस तरह के उद्योग के लिए मिलता है लोन। पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत युवाओं को चुनिंदा उद्योगों के लिए लोन दिया जाता है। कौन कौन से उद्योग इस योजना के तहत आते हैं जिनके लिए युवाओं को लोन दिया जाता है, इनमें से कुछ प्रमुख उद्योग ये हैं: कृषि आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग, रसायन पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग वर्क से जुड़ा उद्योग, वन पर आधारित उद्योग, सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग, गैर परंपरागत ऊर्जा से जुड़े उद्योग। इन उद्योगों से संबंधित काम करने वाले शहरी और ग्रामीण अंचल के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएमईजीपी लोन स्कीम के लिए आवश्यक योग्यताएं। इस योजना के लिए सरकार द्वारा युवाओं से जुड़ी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: सर्वप्रथम, आवेदक युवा भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि युवक की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक को 8वीं पास होना जरूरी है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए युवाओं को पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन नहीं दिया जाता। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस योजना में उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सरकारी संस्थान से अपने बिजनेस से संबंधित प्रशिक्षण लिया हो। यदि आवेदक पहले ही किसी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले चुका है या लाभ ले रहा है, तो उसको पीएमईजीपी लोन स्कीम 2021 के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे युवा इस योजना के तहत आवेदन ना करें। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। पीएमईजीपी लोन स्कीम के लिए युवाओं को आवेदन करने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जो दस्तावेज इस योजना में जरूरी है वो उनके पास है या फिर नहीं। पहले उन दस्तावेजों की व्यवस्था करें और उसके बाद आवेदन करें। आप जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आवेदक का पैन कार्ड होना भी जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र सरकारी होना चाहिए। 8वीं पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक के पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटो। आवेदक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल नंबर भी जरूरी है। कितनी तरह का लोन मिलता है पीएमईजीपी लोन योजना में। इस योजना के तहत आवेदक को स्वरोजगार के लिए दो तरह का लोन मिलता है। पहला लोन आपको सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए मिलता है। इस सेक्टर में आवेदक को 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। दूसरी तरह का लोन उसको मिलता है जो फैक्ट्री लगाना चाहता है। फैक्ट्री लगाने के लिए पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत 25 लाख रुपए का लोन मिलता है। पीएमईजीपी लोन स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया। पीएमईजीपी लोन स्कीम 2021 के तहत आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स को आवेदन करने की एक प्रक्रिया अपनानी होती है, जो इस प्रकार है।
आपको सबसे पहले PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर क्लिक करते ही होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इस होम पेज पर PMEGP ऑप्शन सामने नजर आएगा, उसको क्लिक करना होगा तो आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर PMEGP ई पोर्टल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो फॉर्म खुलेगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इस पेज के सभी पॉइंट्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा और उसमें मांगी गई सारी जानकारी को अच्छी तरह से समझना होगा। उसके बाद उसे बहुत ही ध्यान से भरना भी होगा। इस पेज पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, जिसे सही सही भरना होगा। उसके बाद आपसे नाम भरने को कहा जाएगा, जो नाम आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में दर्ज हो वही भरने चाहिए। इसके बाद आपसे आपके राज्य जिले का नाम पूछा जाएगा, उसे भी ध्यान से भरें। इस फॉर्म में आपसे जेंडर, आपकी शैक्षिक योग्यता, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, जन्मदिन की तारीख, मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा। उनके खाने देखकर उन्हें ध्यान से भरें। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको सेव एप्लीकेशन डेटा का बटन दिखेगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा। इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को अपने उस नजदीकी KYC, KVIB, DIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेंटर में जमा कर दें, जिसको लोन लेने के लिए आपने चुना है। इन सेंटरों द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारियों के अलावा आपके बिजनेस से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी। उसके आधार पर ही आपका लोन मंजूर किया जाएगा। आपके प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है तो फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक को भेज दिया जाएगा, जहां आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बैंक पहले आपके दस्तावेजों की छानबीन करेगा और उसके बाद आपके द्वारा दिए गए बिजनेस के पते का भी स्थलीय निरीक्षण करेगा। उसके बाद आपके आवेदन को फाइनल टच देते हुए ऋण को मंजूरी देगा। EDP प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र KCIC, KVIB, DIC और बैंक में जमा करना होगा। इसके लिए आपकी सब्सिडी आपके खाते में सरकार द्वारा भेज दी जाएगी। किसको कितनी मिलती है सब्सिडी? PMEGP लोन स्कीम के तहत विभिन्न वर्गों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के शहरी क्षेत्र के आवेदकों को मात्र 15% की सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के जनरल कैटेगरी के युवकों को 25% सब्सिडी दी जाती है। जनरल कैटेगरी के युवकों को प्रोजेक्ट का 10% योगदान भी देना होता है। आरक्षित वर्ग SC/ST OBC कैटेगरी के आवेदकों को शहरी क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए 25%, ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए 25% सब्सिडी दी जाती है। इन अभ्यर्थियों के योगदान की राशि प्रोजेक्ट की लागत की 5% ही होती है। महिला, हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, हिल एंड बॉर्डर एरिया के निवासियों और NER आदि के रहने वाले युवकों को भी शहरी क्षेत्र में योजना लागत का 25% और ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागत का 35% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जबकि इन सभी वर्गों के युवकों के लिए निजी योगदान 5% ही देना होता है। PMEGP लोन स्कीम की कुछ खास बातें। ये योजना राज्य के पिछड़ेपन के आधार पर लागू की जाती है। राज्य की जनसंख्या और युवाओं के अनुपात के अनुसार ये योजना लागू होती है। आमतौर पर इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कहने का मतलब ये है कि आवेदन पत्र दाखिल करने से लेकर खाते में पैसे आने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। अपने एप्लीकेशन का स्टेटस इस प्रकार जाने। सबसे पहले आप PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या फिर kviconline.gov.in/PMEGP पर क्लिक करें। वहां पर दिख रहे लॉगिन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करके नया पेज खोलें। इसके बाद आप अपना आईडी और पासवर्ड डालें और इसके बाद लॉगिन करें। आखिर में आपको व्यू स्टेटस का बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस सामने दिख जाएगा। PMEGP लोन स्कीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। PMEGP लोन स्कीम में लोन की ब्याज दर MME क्षेत्र पर लागू होने वाली सामान्य दर लागू होती है।
पीएम ईजीपी लोन की शुरुआती अवधि आमतौर पर 6 माह से अधिक नहीं होती, लेकिन बाद में बैंक आवेदकों को इस योजना के तहत दिए गए लोन के भुगतान की अवधि बढ़ाकर 3 से 7 वर्ष तक कर सकते हैं। मार्जिन मनी या सब्सिडी को एक अलग सेविंग अकाउंट में जमा किया जाता है। ये सेविंग अकाउंट आपके लोन अकाउंट से जुड़ा होता है। इसको 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद इस राशि को पीएम ईजीपी लोन की राशि के साथ मिला दिया जाता है। आवेदक द्वारा लोन पर जितना ब्याज चुकाना होता है उससे अधिक उसे सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। कुछ कारोबार ऐसे हैं जो काफी देर से चलते हैं और लंबे समय के बाद मुनाफा कमा पाते हैं। यदि आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप पीएम ईजीपी योजना के तहत लोन लेकर लाभ उठा सकते हैं। दूसरा लोन भी ले सकता है आवेदक। 1 करोड़ का लोन लेने के बाद दूसरा लोन भी इस योजना में लिया जा सकता है। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले पीएम ईजीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके होम पेज देखें और वहां पर दिख रहे अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेकंड लोन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लिंक को सिलेक्ट करें। इस पर क्लिक करते ही आपको फॉर्म दिख जाएगा। इसमें मांगी जाने वाली सारी जानकारी भरें। इन जानकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आवेदन दूसरे लोन के लिए सबमिट हो जाएगा। इस तरह से युवा उद्यमी और संस्थाएं पीएम ईजीपी लोन स्कीम 2021 के तहत 1-1 करोड़ करके 2 करोड़ का लोन ले सकता है। इसे कोई भी युवा उद्यमी अपना कारोबार अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकता है। यदि कोई बिजनेस देर से मुनाफा देता है तो उसके लिए आपको मिलने वाली सब्सिडी काफी बड़ा सहारा बन सकती है। युवाओं के अलावा संस्थाओं को भी मिलता है लोन। इस योजना के तहत युवाओं को व्यक्तिगत और संस्थागत लोन मिलता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह और ट्रस्ट भी इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको दी है पीएम ईजीपी लोन स्कीम की पूरी जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।